अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी टाइम से साइबर गेम्स पर आपने देखा होगा PS4 का स्टॉक थोड़ा कम नज़र आ रहा था, पर इस बार इस वीडियो में आप देख सकते हैं ऊपर भी अपना अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है और एडिशन वाले पीस भी यहाँ पे जैसे कि आए हुए लास्ट वीडियो में भी थे, ये अपना क्वालिटी वाला अपना लेटेस्ट अभी आया है। और इसके अलावा PS4 का यहाँ पर भी आप स्टॉक देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी भरपूर स्टॉक इस बार PS4 का अवेलेबल है और PS5 का भी स्टॉक अवेलेबल है। तो सभी जो जो प्राइसेस हैं गेम्स का अपना स्टॉक तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अपना माशाल्लाह से अवेलेबल है। इनके बाद टेकन 7 की बात करें, RDR2 की बात करें या GTA 5 की, भरपूर स्टॉक अवेलेबल है गेम्स का, कंसोल्स का। तो इन सभी के जो जो प्राइसेस हैं अपना जवाद भाई हमें यहाँ पे बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैद भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जवाद भाई सबसे पहले शॉप का एड्रेस वगैरह समझाएं। जैद भाई शॉप है हमारी मेन गुलशन शमीम यासीनाबाद का, ये इलाका कहलाता है। अगर आप आयशा मंदिर से सीधा आ रहे हैं मुक्का चौक से तो उल्टे हाथ पे आपका शैल का पंप पड़ता है, उसी के बराबर वाली बिल्डिंग है शमीम स्काईलाइन, उसी के फ्रंट की शॉप है साइबर गेम्स के नाम। अगर आप गुलशन से आ रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर से सीधा जो आयशा मंदिर की तरफ रोड जा रहा है, आपके उल्टे हाथ पे शैल का पंप पड़ेगा, उसके एकदम अपोजिट सामने साइबर गेम्स है। बाकी आप गूगल पे लिखेंगे या कहीं भी बाइक की हमारी लोकेशन रजिस्टर्ड है, आप कहीं भी मेंशन करें वो लोकेशन आ जाएगी। सही है, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लोकेशन और नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी शॉप का नंबर वैसे क्या है? शॉप का नंबर है जीरो, मेरा जो पर्सनल है वो 03408686829 और जो शॉप का ऑफिशियल नंबर है वो 03323608078। अच्छा, एक कॉन्टैक्ट करने की आपको क्या टाइमिंग है? शॉप हमारी खुलती है 2 से 2:30 बजे, तो आप उस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसी बात है जब दुकान पे अवेलेबल होते हैं तो इजीली आपको सीडी की पिक्चर वीडियो या जो जो आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं आराम से बना के दे देते हैं। सही। और 11-12 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आप पूछ लें, या अगर आप रात में मैसेज करें तो अपनी क्यूरी छोड़ दें, जब हम फ्री होंगे और दुकान आएंगे तो उस क्यूरी का आपको जवाब देके आपको डिटेल्स भेज देते हैं। अब रोज रात के 3-4 बजे मैसेज कर रहे होते हैं, बोलते हैं अभी बताओ, मतलब फ़ायदा नहीं है ना अभी बताने का, क्योंकि मैं आपको वो डील ही नहीं कर, डील आउट ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब दुकान जाऊंगा, चीज़ देखूंगा, आपको दिखाऊंगा, तभी आप भी सेटिस्फाई होगे तो मैं भी डील कर पाऊंगा जी। तो 3-4 बजे डील करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वैसे शॉप की टाइमिंग क्या चल रही है अभी? शॉप की टाइमिंग नॉर्मल डेज में जो है वो 2-2:30 बजे ओपन हो जाती है और रात 11-12 बजे तक हम लोग होते हैं। संडे अगर कोई 10:30 या 11 बजे आ रहा हो तो कॉल करके आ जाए, कभी कभार 11 बजे भी बंद करके चले जाते हैं। बाकी फ्राइडे और संडे जो है वो 4 से रात 11 से 12। सही, मतलब संडे भी ओपन है। सर तो ये डिटेल्स वगैरह हो गई, अब होम डिलीवरी सर्विस वगैरह उन पे बाद में जाएंगे, पहले आप PS5 स्लिम के लेटेस्ट प्राइस बताएं, क्योंकि अब तो हाई हो गए प्राइस। PS5 का भी जो लेटेस्ट रेट है अपना UK का वो है 187 जी। सही, और जापान USA है, जापान तो अभी मेरे पास ऑन स्टॉक नहीं है, लेकिन उसका भी रेट तकरीबन 180-182 का ही रेट है, वो अभी मेरे पास स्टॉक में नहीं है। और USA पड़ा हुआ, USA आपको पड़ेगा फाइनल 197 का, 197 का USA, 197 एक ही पीस पड़ा हुआ, क्योंकि अभी जो आ भी रहा है सिर्फ UK ही आ रहा है, USA जंबो वगैरह मतलब बहुत ही महंगे मिलने पीस। सही, ये हमने रेट नहीं बढ़ाए, ये दुबई ऑफिशियल से पीछे से रेट बढ़े, ये हमने कोई कैरी या इस उसमें मसला इस बार नहीं आया कि होता है ना स्टॉक कम आ रहा है या कैरी बढ़ गई या इस तरह, ये जो पीछे से रेट है ना दुबई से ही रेट बढ़ा है पीछे से। सही, हमने रेट नहीं बढ़ाया। अब तो बस यही है कि अगर कभी सेल वगैरह लगती है, आप देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो रहा है, ये रेट ऐसे ही चल रहा है जी जी, कभी 180 हो रहा है, कभी 182 हो रहा है। वरना अक्सर होता था स्टॉक क्या उसकी, अब होता था ना कि स्टॉक नहीं आ रहा, रुक गया, तो उसकी वजह से जैसे ही स्टॉक आता था 10-15 दिन बाद दोबारा रेट नीचे आ जाता, अगर बढ़ता भी था। तो ये इस बार पीछे से ही रेट बढ़ा है, तो जब वो रेट पीछे से नीचे होगा तो यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा। सही, और बाकी ये PS5 फैट भी आपके मौजूद, दो पीस आप याद होगा आपको, 3 पीस थे USA वाला, वो बिक गया, अभी ये 2 पीस बचे हुए, ये जो पड़ेगा फाइनल 180 का पड़ेगा, 180 का ये पड़ जाएगा। सही, यूज में अभी आपके पास कोई अवेलेबल नहीं? यूज में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, अगर कोई भाई सेल कर रहे हो तो हम परचेज करने के लिए रेडी हैं, अगर आप सेल आउट कर रहे हो तो हम अराउंड 1.20 से 1.40 तक की रेंज में, अगर आप PS5 सेल आउट कर रहे हैं तो 1.20 से 1.40 तक की रेंज में हम खरीद रहे हैं। ये फैट स्लिम दोनों की? फैट स्लिम। सही, बाकी फिर अभी होम डिलीवरी सर्विस बताएं। फिर होम डिलीवरी सर्विस जैद भाई ऑल ओवर कराची है, सिर्फ मेन एरिया में जैसे गुलशन हदीद हो गया, साइड एरिया में हमारे यहाँ नहीं करते, बाकी कहीं पर भी लोकेशन हो ऑन द स्पॉट डिलीवर हो जाएगी सीडीज़ ऑन द सेम डे। आउट ऑफ कराची पे एडवांस पेमेंट होगी, जो चीज़ आपको चाहिए आप पेमेंट करें, उसके बाद आपको हर तरीके से जिस तरीके से आपको सेटिस्फाई आप बोलेंगे हम आपको वीडियोज़ बना के उसको चला के दिखा के सेटिस्फाई करके आपका पार्सल लगा देंगे। और यह वारंटी तो आपकी मशहूर है काफी जैद भाई, 1 महीने की चेकिंग वारंटी है, 6 महीना सर्विस वारंटी है। 1 महीने की चेकिंग वारंटी में आपका कोई सा भी पार्ट इशू आता है सिवाय जलने गिरने टूटने के, तो वो
हम आपको क्लेम करके देंगे। और वारंटी और उसके अंदर अच्छे सर्विस वारंटी के अंदर आपका कोई भी बिना पार्ट के मसला हल होने वाला होगा तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ये यूज़ कंसोल्स की बात हो रही है, यूज़ में अगर यूज़ PS5 भी अवेलेबल तो उसकी भी सेम है? नहीं, उसकी जो है हम लोग दो हफ्ते की चेकिंग, उसकी दो हफ्ते की चाहिए वारंटी, उसमें ये नहीं है अपना, क्योंकि उसमें देखें उसके पार्ट्स महंगे आते हैं। अब उसमें हमारे कमाने के 5,000-8,000 रुपये हों और अल्लाह ना करे उसमें कोई रोम का खर्चा आ जाए कुछ या उसका खर्चा आ जाए तो उसका रोम ही तकरीबन 15,000-20,000 रुपये का बनता है। तो वो उस पर जो है जाहिर सी बात है हम आपको दो हफ्ते की चेकिंग वारंटी देंगे। और वैसे भी आता नहीं है आजकल इतना, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर कोई किसी को शक होता भी है तो हम दे देंगे, एक महीने की भी दे देंगे कोई। वैसे ब्रांड न्यू कंसोल की ब्रांड न्यू तो जैद भाई, आप अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं घर जाके बस चेक करूँगा तो मैं उसकी भी नहीं दे पाऊँगा। सही, ब्रांड न्यू आप यहाँ आए अपने हाथ से चीज़ खोलें, चेक करें, कहीं से भी आपको यूज़ लगे ऑन द स्पॉट छोड़ दें, नहीं लें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं बोलूँगा कि भाई अब तो आपने डब्बा खोल दिया अब आपको लेना पड़ेगा, नहीं। आपने डब्बा खोलें, आपको कहीं से भी लगे कि चीज़ यूज़ लग रही है सही नहीं लग रही, कहीं हल्का सा भी एक शक हो ना आपको, आप ऑन द स्पॉट छोड़ दें, मैं आपको दूसरा डब्बा उतार के दे दूँगा, दूसरे डब्बे में भी आपको वो हो कोई मसला नहीं, आप छोड़ के चले जाएँ, कोई नहीं है। दुकान पर आप जितने तसल्ली करना चाहें करें, चलाएँ, चेक करें, बैठ के तसल्ली करें ऑन द स्पॉट। दुकान से आप चले गए फिर उसके बाद एक घंटे या एक मिनट की भी कोई वारंटी ब्रांड न्यू की नहीं है। मेंबरशिप, गिफ्ट कार्ड, गेम पास वगैरह ये सब चीज़ें जी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जिसको जो डॉलर कार्ड चाहिए हो, एक्सबॉक्स का गेम पास चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको प्राइसेस बता दूंगा ऑन द सेम डे। और आप ऑनलाइन पेमेंट लगाएं और आपको हम कोड वगैरह आईडी वगैरह जो भी होता है वो बना के। अच्छा, ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप प्राइस नहीं पूछते, प्राइस ना पूछने की वजह ये है कि मैं बता देता हूँ, जैसे अभी $10 अगर आप लेते हैं तो आपको 2850 रुपये का पड़ेगा, 2850। और अगर आपका डॉलर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो 2800 का भी $10, जैसे अगर आप $50 लेते हो तो 2850 के बजाय 2800 रुपये का लग जाएगा। ज़ाहिर है उसमें हमारा 200-300 रुपये हमें बच रहे होते हैं, मार्जिन बढ़ रहा होता है तो हम लोग और कटौती कर देते हैं। सही, इस तरीके से गेम पास के अभी जो है वो काफ़ी प्राइसेस जो है वो हाई होगा, गेम पास के गेम के गेम पास के हाई होगा। किसी एक के बता देते हो, गेम पास इस वक्त अगर आप 12 महीने वाला देखें तो 15,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर। सही है, फिर भी गेम पास अपना देखा जाए तो प्रेस है मेंबरशिप से, मेंबरशिप से काफी, लेकिन अब जब से वो तुर्की वाली चल रही है, जब जैसे अगर आप किसी को तुर्की वाली सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 28,000 रुपए की एक्स्ट्रा वाली मिल जाएगी साल की, एक साल की। और इसमें एक यूक्रेन भी चल रही है, यूक्रेन पे जाएंगे तो वो 24,000 रुपए की, लेकिन उसमें थोड़ा लैंग्वेज का इशू आ जाता है बस। सही, तो ये भी अपना सारी ड्रेस वगैरह हो, रिपेयरिंग सर्विस इन कंसोल की अवेलेबल है? इस 360 के अलावा सारे कंसोल्स की अवेलेबल है, एक्सबॉक्स वन, वन एस, सीरीज एस, एक्स, सारे कंसोल, PS4, PS3, PS5 सबकी अवेलेबल, सबकी अवेलेबल है। सही, और ये और वारंटी और वो रिपेयरिंग की चेकिंग वारंटी हमारी एक हफ्ते की होती है, एक हफ्ते में आपको कोई भी इशू आएगा 7 दिन है आपके पास, आप चाहो तो लगातार 7 दिन उस मशीन को चला के देखो, 7 दिन में कोई भी इशू आएगा हम आपको क्लेम करके देंगे। अच्छा, इन कंसोल के बड़े इशू होते हैं, PS4 में तो ऑब्वियस अपना ब्लू लाइट इशू जो है, तो वो भी आप रिपेयर वगैरह करवा देते हो? जैसे भी अगर मशीन सील्ड होती है ना जी, तो फिर पावर पे हम लोग जब भी बनने के लिए लेते हैं अगर मशीन सील्ड हो तो, क्योंकि अक्सर ये होता है पहले से रिपेयर हुई भी होती है पावरों पर और कस्टमर ज़िद करके दे जाता है कि यार आप करवा लो, और फिर जब उसको हम खोलते हैं तो उसमें कुछ बचा हुआ ही नहीं होता कि हम कर सकें, फिर हम उनको भाई रिटर्न कर देते हैं, वो कहीं और दिखाते हैं तो फिर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप, क्योंकि दूसरा रिपेयर बोलता है जहाँ आपने दिखाया था उसने शायद सारा सामान निकाल लिया इसके अंदर। तो इस वजह से हम लोग को जो पावर के इशू होते हैं ना ज़्यादा सील मशीन का ही बनाते हैं, खुली हुई मशीन का अगर कस्टमर ज़िद भी करते हैं तो पहले उसके बोर्ड पर उसका साइन करवाते हैं कि भाई अगर आप बाद में क्लेम करोगे इसमें से कोई पार्ट गायब है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और ये अक्सर लोग करते हैं PS3 में, जैसे कि अब ये पुरानी मशीन हो गई पर इसके लेंस वगैरह का अगर इशू आ जाए, लेंस तो कोई भी नहीं वैसे अपना, उस PS3 में तो ज़्यादातर पावर या HDMI के इशू आते हैं तो वो तो नॉर्मल है, सही जाता है, पावर का बहुत कम बनता है, ज़्यादातर तो HDMI का इशू आता है वो बन जाता है। सही, तो ये इसकी डिटेल हो गई। किसी को अपने गेम कंसोल कंट्रोलर आपको सेल आउट करना है, एक्सचेंज कराना जी, अभी हम लोग PS4 भी बाय कर रहे हैं, खासतौर पर PS5 भी बाय कर रहे हैं, गेम तो हम लोग लेते रहते हैं और एक्सचेंज करते रहते हैं, किसी को PS5 के कंट्रोलर सेल आउट करने हैं, PS4 के करने हैं, एक्सबॉक्स सीरीज एस के करने हैं वो हम लेते हैं, एक्सबॉक्स वन के नहीं लेते, सीरीज एस वगैरह के ले लेते हैं। सही, और ये वैसे एक्सबॉक्स वन से लेकर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स तक सारी मशीनें आप ले रहे हैं और PS3 से लेकर PS5 तक जी। सही, रेंटल सर्विस समझा दे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रेंटल सर्विस हमारी है अपना PS5 की 4,000 रुपये आपको मंथली देने होंगे, 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा जिसमें आप महीने के 4 गेम ले सकते हैं 1 गेम एट अ टाइम। सही, और अगर आपको 2 गेम चाहिए तो डिपॉजिट आपका बढ़ के 10 से 15 हो जाएगा और आप 2 गेम ले सकते हैं। सही प्राइस में पर डे का क्या हिसाब है? पर डे 100 रुपये पर डे, मिनिमम 10 दिन सीडी लेनी पड़ती है, वो आपको इसी भी लें PS4 के लिए, PS5 के लिए। अच्छा, ये अब लेटेस्ट जैसे कोई ब्रांड न्यू गेम आता है, सही है,
तो उसका भी अपना रेंट पे देते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी अगर पैकेज में लेते हैं तो 4,000 रुपये जिनका पैकेज होता है ना उस महीने का 5,000 रुपये पैकेज। सही है बस। तो ये ब्रांड न्यू सीडी का पर डे वाला हिसाब नहीं वैसे? नहीं जैद भाई, जब वो जो पैकेज लिए हुए थे ना, जाहिर सी बात है पहले उनका हक बनता है क्योंकि वो पैकेज हैं, कंटिन्यूस चीज़ ले रहे हैं, तो जब उनसे रिटर्न आ जाती है तो फिर जब वो आ जाती है तो फिर वो पर डे में आप हिसाब वैसे कोई ब्रांड न्यू सीडी आती है आप उसे पैकेज में रखते हैं। साइलेंट हिल 2 आई थी, कम से कम 3-4 कस्टमर को दी जी, तो वो पैकेज मेरे से उन्होंने लिया हुआ है, तो जैसे ही हुआ उन्होंने वो पैकेज में मांगा मंथली में, तो उन्होंने 4 के बजाय 5,000 रुपये भर दिए। अब जब उनसे वो आ जाएंगी या लाइब्रेरी में आ जाएगी यूज़ में, तो फिर आप वो पर डे पे भी फिर पर डे पे भी वो ले सकते हैं। सही, तो ये सारी अपनी डिटेल्स वगैरह की प्राइसेस अब PS4 वगैरह पर आ जाए। पहले तो ये एक्सबॉक्स सीरीज एस का बताएं, सही है यहाँ पर आपके अब मौजूद है जैद भाई, पिछली वीडियो में दिखाया जी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन में, जैसे कि ब्रांड न्यू का आपको पता है कि ये रेट जो है अराउंड 1,05,000 जैसे हो गया, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन में, ठीक है ना, इसके अपना है, सब चीज़ें मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ये हम जो कोट कर रहे हैं फाइनल 83 का कोट कर, 83 का फाइनल आप ये कोट कर रहे हैं, बिल्कुल ये ब्रांड न्यू जैसा पीस है। सही, और इसकी वो सेम अपना वारंटी जो है जी जी, दो इसकी दो वीक की होगी, इसकी दो वीक वाली वारंटी है। सही है, कोई बोलेगा तो एक महीने की भी दे देंगे। सही है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। सही, बाकी PS4 वगैरह पर आ जाए तो प्रो से स्टार्ट लेते हैं हर बार की तरह, या पहले एडिशन वाले कर लें इस बार जी। PS4 Pro में ये एडिशन वाला है, ये आपको पड़ेगा 75 का, ये 75 का मिल जाएगा, और इसके साथ अपना कंट्रोलर है। सही, और ये काफ़ी टाइम से आप देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है जी। सही है, और 500 मिलियन लिमिटेड एडिशन है, ये नेवी ब्लू कलर में मेगा जी, और ये ट्रांसपेरेंट अपना उस पर। सही है, इसकी अपना बॉडी है, जब ये ऑन होता है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जब इसकी लाइट वो दिख रही होती है। और क्या कहते हैं, इसका कंट्रोलर बिल्कुल इसकी तरह अपना ट्रांसपेरेंट टाइप है और सेम कलर नेवी ब्लू। तो ये कितना दे रहे हैं? 75 का पड़ेगा, 75 का नॉन जेल ब्रेक है। सही, वैसे ये अपना ऑफिशियली था 2 TB, सही है, पर अपना आपने इसको 1 TB कर दिया। सही, 1 TB है ये जी। तो ये 75 का आपको मिल जाएगा नॉन जेल ब्रेक जी। अब आ जाए ये ग्लेशियर वाइट वाले पर, जैद भाई ये जेल ब्रेक है 9.0। सही है, ये 90,000 का पड़ेगा, 90,000 का। मशीन है, जैसे आप इसकी पोर्ट भी देख सकते हैं जी, पोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी है, साफ सील पीस, सील पीस 90,000 का पड़ेगा, 9.0 जेल ब्रेक। सही, 90,000 सही, ग्लेशियर वाइट है और 9.0 है और 90,000 का दे रहे सील पीस, सील पीस साफ सुथरी मशीन है। इसी में अगर आप जाएंगे 9.0 में ब्लैक ऑप्स एडिशन है 1 TB के अंदर जी, ये आपको पड़ेगा 75 का, 75 का 1 TB ये मिल जाएगा, क्वालिटी ब्लैक ऑप्स 9.0 ये वाला है 11.0, ये 500 GB में, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 70,000 में, 70,000 में ये पड़ जाएगा। ये सिर्फ कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, 500 GB 11 के साथ जी। ओ, अच्छा, ये 1 TB का कर दे इसको, 1 TB तो 5,000 रुपये पड़ेंगे, 5,000 यानी 75 का ये 1 TB हो जाएगा ये वाली मशीन। सही, अब ये एडिशन वाली मशीन हो गई मेरे यहाँ से, बाकी ये एडिशन में यही थी अभी अवेलेबल, बाकी कैमो वाली है, कैमो जो है वो आपको, कैमो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 500 GB जो है वो 55 की पड़ेगी जी, इसके साथ भी अपना कंट्रोलर है, इसका साफ सुथरा कंट्रोलर, 500 GB जी, 55 की, और वही 1 TB पे जाएंगे तो यही कैमो वाली 60,000 रुपये की हो जाएगी, 60,000 की, जिसे कहते हैं क्वालिटी वर्ल्ड वॉर टू एडिशन। सही, और ये गोल्ड में भी आपके मौजूद है, गोल्ड वाली भी सेम है, आपको 500 GB में 53 की पड़ेगी, 500 GB में 53 की जाएंगे तो 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि 58 हो जाएंगे इसके, ये गोल्ड वाली के। सही है, अब ये डब्बे वाले पीस पर आ जाए, ये प्रो पर अपना, आप अगर प्रो नॉन जेल ब्रेक पे जाते हैं तो वो आपको 65 से 75 की रेंज में मिल जाएगा, 65 से 75 ये अपना विद और विदाउट बॉक्स दोनों के सेम रेट बताए आपने जी। अब ये जैसे ये पीस है, ये विदाउट बॉक्स वाला जी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये का ये मॉडल है, ठीक है ना, ये आपको 65 का पड़ेगा, साफ सुथरा सील्ड मशीन, 65 का जी, ये 65 का प्रो मिल जाएगा। इसी में आप 71 पे जाएंगे वो तकरीबन 67-68 का पड़ेगा, और इसी में 72 पे जाएंगे तो वो 70 का पड़ेगा, तो जैसे नॉन जेल ब्रेक में, तो जैसे ही आपको रेंज वगैरह बता दी नॉन जेल ब्रेक से 70 विदाउट बॉक्स की। इसके अलावा एक पीस है मेरे पास बिल्कुल साफ सुथरा पीस है, वो ये रखा हुआ है बॉक्स वाला, कौन सा है ये, 72 सीरीज है, कम्प्लीट सामान है, सीरियल मैच बॉक्स है, साफ सुथरी ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन में, 75 का पड़ेगा, 75 का ये पड़ जाएगा। सही, अच्छा ये बैटल फ्रंट भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया आपने रेट? नहीं, ये आपके 11.0 जेल ब्रेक है, एक ये है, इसकी भी रेट बता देता हूँ, ये भी ये हमने लास्ट वीडियो में खोल के दी है, ये आपको डिवाइस के साथ
कंप्लीट सामान के साथ 85 की पड़ेगी, 85 की कंप्लीट सामान के साथ डब्बे वाली एडिशन वाली है जी, ये 85 की पड़ेगी, 11.0 जेल वाली जो गेम आप बोलेंगे आपको डाल के देंगे। और इसके अलावा ये एक मशीन है 72 सीरीज में, बिल्कुल नए जैसा पीस है, मतलब आप समझें ना के बराबर चला हुआ है ये, अगर कोई लेगा भाई तो ये आपको पड़ेगा 90,000 में, 90,000 का 72 सीरीज 11.0 जेल, 11.0 जेल ब्रेक सही। इसी में अगर आप 9.0 में जाते हैं जी, वो फोने पे वाली, वो भी बिल्कुल जैसे मैंने आपको 11 में बताई कि साफ सुथरी बिल्कुल मशीन है जी, वो ही 72 सीरीज है, कंप्लीट डब्बा वगैरह सब कुछ है, 5,000 रुपए का डिफरेंस है, 95 है, 95 की वो पड़ेगी, 9.0 दोनों सेम है, बस ये 11 है तो ये इसलिए 90 की है और वो 95 की सही। तो ये अपना विदाउट बॉक्स में भी आपके जेल ब्रेक है, इसके अलावा जैद भाई ये हमारे पास विदाउट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे 11.0 जेल ब्रेक मिल जाएंगी, साफ सुथरी है ठीक है ना सही। हम इसमें हम लोगों ने पैकेज लगाया हुआ है 11 पॉइंट में, ये दो कंट्रोलर के साथ जो आपको पड़ेगी 80,000 की पड़ेगी, 80,000 की दो कंट्रोलर के साथ आप दे रहे हो, बेहतरीन बेहतरीन, इसमें आप वो कॉप कंट्रोलर लगे हुए सारे सही है ना, काफ़ी सारे कलर्स हैं हमारे पास, ये पूरा कार्टन भरा हुआ है, कोई से भी इसमें से आप दो कंट्रोलर ले सकते हैं, सही बेहतरीन, मतलब दोनों कॉपी कंट्रोलर आप दोगे ओरिजिनल, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल ही मिल जाएगा, ओरिजिनल में आपके 2,000 रुपये पड़ जाएंगे, 2,000 रुपये यानी कि 82 में एक ओरिजिनल हो जाएगा फिर एक कॉपी, सही यानी कि अगर ओरिजिनल लेते 82 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें विदाउट कंट्रोलर मशीन आई है तो इसलिए फिर रेट कम करके दो कंट्रोलर डाल के पैकेज बनाया है मैंने, अगर किसी को ओरिजिनल चाहिए हो तो फिर 82 में आपको एक ओरिजिनल कंट्रोलर और एक कॉपी कंट्रोलर मिलेगा, सही हो गया, वो भी अवेलेबल, तो ये काफी अच्छा रेट इसका आपको मिल गया, सिर्फ 82-83 कंट्रोलर के साथ रेट मिलने, आपने दो कंट्रोलर के साथ लगा दिया वो भी साफ सुथरी, सही काफी अच्छा हो गया। अब 11.0 के बाद जो है 9.0 में, जैसे कि आपको ये वाइट बताया था विदाउट बॉक्स में, ये 90 का पड़ेगा ठीक है ना, इसमें एक और यूनिट है वो आपको ब्लैक कलर में, वो 88 का पड़ेगा ठीक है ना, सही। इसके अलावा एक और 72 की सीरीज में है, वो बिल्कुल मतलब कंचा जैसा पीस है, चला हुआ ही नहीं है, उसका वर्जन भी आई थिंक जो है वो 8 something है, जेल ब्रेक वो हुआ है, हुआ ही नहीं है, तकरीबन हाँ सील पीस है वो, तकरीबन आपको 95 तक का पड़ेगा तो 95 तक का वो पड़ जाएगा। अब आए स्लिम पर जी, तो स्लिम पे आपके पास ये डब्बे वाले भी हैं विदाउट बॉक्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टॉक है, नॉन जेल ब्रेक का भी और जेल ब्रेक का भी, स्लिम आपको मिल जाएगा नॉन जेल ब्रेक में 48 से 55 तक की रेंज में, ये 48 से 55 ये मिक्स दोनों है, 48 वाले को 1 TB कराएंगे 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा, सही इस हिसाब से, इस हिसाब यानी कि 55 वाले को 1 TB कराएंगे तो 60 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये विद और विदाउट बॉक्स दोनों मिक्स रेट है। अब इसमें अगर आप जाते हैं अपना जेल ब्रेक पे 11.0 के अंदर भी हमने इसके डील निकाली हुई है, अगर 11.0 आप जेल ब्रेक लेंगे इसके अंदर तो वो आपको हम दो कंट्रोलर के साथ जो है वो 67,000 के रेट देंगे, दो कंट्रोलर के साथ 67 तो, दो कंट्रोलर के साथ ये ओरिजिनल होगा, एक दोनों कॉपी होंगे, दोनों कॉपी अगर इसमें आप ओरिजिनल ऐड करेंगे तो ओरिजिनल फिर आपको एक ओरिजिनल मिल जाएगा, एक कॉपी और 2,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 69 का 69 की पड़ेगा, सही अच्छा रेट है, डिवाइस वगैरह हर चीज के साथ, ये 500 GB का रेट, 500 GB 1 TB वही 5,000 रुपये पड़ जाएंगे, यानी कि अपना 74 तक चले जाएंगे अगर ओरिजिनल कंट्रोल लेते हैं। इसी में अगर आप 9.0 पे जाते हैं तो 9.0 जो है वो आपको 70,000 से स्टार्ट है और जो है वो अपना अराउंड 80,000 तक जा रहा है, सही प्राइस है, उसमें आपको 500 GB 1 TB दोनों मिल जाएगा, डब्बे वाली विदाउट डब्बे वाली दोनों मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी डब्बे वाले पीस मौजूद, जो हमने सेल अपना वो जो कंट्रोलर के साथ डील लगाई है वो सिर्फ 11.0 की लगाई है। ये PS4 स्लिम की अभी फिलहाल बातें चल रही है, ये PS4 स्लिम भी अब कंप्लीट हो गया, फैट पर आ जाए, फैट यहाँ पे खूबसूरत मशीन है, यहाँ पे मौजूद है, फैट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डील लगाई है, फैट आपको मिल जाएगा 58,000 में 11.0 दो कंट्रोलर के साथ, 11.0 दो कंट्रोलर के साथ, जैसे ये वाली मशीन है ये 11.0 पर होगी, सही है जेल ब्रेक, ये दो कंट्रोलर के साथ, दो कंट्रोलर के साथ आप दे दोगे जी, मिल जाएगा, सही है। और इसी में और एक ओरिजिनल और एक कॉपी कर देंगे आप तो फिर वो 60,000 की पड़ेगी। इसी में अगर आप 9.0 पे जाते हैं तो 9.0 जो है वो आपको 60,000 रुपये की पड़ेगी, 60,000 रुपये की, 1 TB पे चले जाएंगे तो 5,000 रुपये पड़ेगा, 5,000 रुपये 65 हो जाएंगे, सही। और अपना ये वाली अपना 11.0 वाली पे अगर आप 1 TB पे जाते तो वही अपना 5,000 रुपये यानी कि अपना 65 हो जाएंगे, सॉरी 63 हो जाएंगे, या फिर अगर आप ओरिजिनल कंट्रोल के साथ लेते तो 45 डब्बा कंप्लीट सामान के साथ 1 TB वाला जो 500 GB कंप्लीट डब्बा ओरिजिनल सील पीस 1200 सीरीज आपको जो है वो 45 का, वही नॉन जेल ब्रेक में एक ही पीस है, और वही बात आ गई 1 TB पे जाएंगे तो 5,000 रुपए बढ़ जाएंगे, सही है। फैट में अभी जो है वो नॉन जेल ब्रेक में अभी स्टॉक मेरे पास नहीं है, सही। तो आप हिसाब लगा लें 5,000 रुपए बढ़ने का। यहाँ पर आ जाए कंट्रोलर्स पर, कंसोल्स तो मेरे ख्याल सारे कंप्लीट हो गए, यहाँ पर कंट्रोलर्स पर आ जाए
तो यहाँ पर PS5 के कंट्रोल मौजूद है। एस्ट्रोबोट का क्या रेट कोट कर रहे हो आप? एस्ट्रोबोट जैद भाई ये आपको पड़ेगा 35,500 का। 35,500 का ये आप दे रहे हो, और वैसे नॉर्मल ये PS5 जो है ये 20,000 से 21,000 की रेंज में है। नॉर्मल कलर लेंगे 20,000 रुपये का, और जो नया कलर है वो 21,000। मेटालिक टाइप होगा जी वो 21,000। और कैमो वो सेम 21 जी। और ये ड्यूसेल चार्जिंग स्टेशन ये 8,000 रुपये का ब्रांड न्यू पड़ेगा। 8,000 रुपये का ब्रांड न्यू। और PS4 की अपना कॉपी कंट्रोलर अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 3500 रुपये के पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्टॉक काफी और अगर आप मौजूद है यहाँ पर, मतलब अगर आप दो तीन लेते हैं तो फिर और भी डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, यानी ज्यादा तक ये वीडियो हमारी है तो ये उस वक्त तक के लिए सही सही। और ये यूज में भी आए हैं आपके, अपना वो तो हमने पहले भी दिखाया है, सारे एडिशन वाले भी हमारे पास 7,000 से 12,000 तक की रेंज में आपको PS4 के ओरिजिनल मिल जाएंगे, साफ सुथरी कंडीशन के। 7,000 से 12,000 रुपए की रेंज में, जिसमें 12,000 में एडिशन वाले भी स्टार वाला एडिशन दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो काफी सारे वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको पिक्चर भेज देंगे। ये वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो कॉटन बने पड़े ये PS4 कंट्रोलर्स के सही है ओरिजिनल। यहाँ पर आइए, पल्स सिटी हेडसेट आपके पास विदाउट डोंगल वाला आया है, लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी है, फॉर्म वगैरह नहीं फटा होगा। ये आपको 6,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें जो फॉर्म फटे वाले हैं वो भी मिल जाएंगे, वो तकरीबन 5,000 रुपये के पड़ेंगे, और जिसका फॉर्म है ही नहीं वो भी आपको मिल जाएंगे, वो 4,000 रुपये का पड़ेगा। आप दराज वगैरह से फॉर्म चाहें तो मंगवा सकते हैं, 1,000-1,200 रुपये का मिलता है। और वैसे ब्रांड न्यू आपको रेट पता है? ब्रांड न्यू ये 26,500 का। 26,500 रुपये का सही। और ये एक्सबॉक्स सीरीज के कंट्रोलर ये आपको 13,000 तक के पड़ेंगे, 13,000 रुपये तक के। अच्छा, ये एक्सबॉक्स सीरीज में वो स्टार्टिंग में आपको याद होगा रिफर्बिश वाले, वो रिफर्बिश नहीं है। नहीं 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 वो हाँ वही रिफर वाले, वो जो मसला है उसका डिफरेंस बस यही है कि आप उसको कंट्रोलर को ऑन करके देख लें, अगर स्मूथ लाइट ब्लिंक हो रही है तो ओरिजिनल है, और अगर स्मूथ लाइट ब्लिंक नहीं हो रही तो फिर वो रिफर्बिश। सही, वो जो है वो 15 दिन बाद जो है वो कंट्रोलर बैन हो जाता है एक्सबॉक्स के। PS3 कंट्रोलर ये आपको पड़ेंगे 2,000 रुपये के। एक्सबॉक्स 360 के वायर वाला 2,200 रुपये के। और ये बैटरी बैक ये 1,500 रुपये का। और ये थंब ग्रिप ये ग्रिप 400 से 500 रुपये तक। ओरिजिनल कंट्रोलर ये डब्बे वाले, ये ओरिजिनल कंट्रोलर जनरेशन 1 जो है ये ब्रांड न्यू, ये आपको 14,500 के पड़ेंगे, और जो जनरेशन 2 है वो एक ही बचा हुआ है हमारे पास, वो 16,000 रुपये का पड़ेगा। 16,000 रुपये का ब्रांड न्यू ये आपके पास। अब आइए ये गेम्स पर, तो अपना वहीं से स्टार्ट करते हैं, हॉट सेलिंग से स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन 2 ये आपको मिल जाएगा 12,500 का। GTA 5 आपको ब्रांड न्यू 6,000 रुपये। रैग्नारोक यूज में जो है ये आपको मिल जाएगा 10,000। फॉर्मूला वेस्ट ये 6,500। लास्ट वर्ड 2 रिमास्टर्ड ये ब्रांड न्यू अवेलेबल है 13,500 रुपये। गोस्ट फिल्म डायरेक्टर्स कट ये ब्रांड न्यू 9,500 का। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 ये यूज में आपको मिल जाएगा 13,000। किंग ऑफ फाइटर 15 ये यूज में आपको मिल जाएगा 8,500। स्ट्रीट फाइटर 6 नया मिल जाएगा 10,000। क्रिकेट 24 इंडियन ब्रांड न्यू इंडियन एडिशन है ये आपको मिल जाएगा 13,000 रुपये का। FC 25 भी आया ब्रांड न्यू ये ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा अराउंड 16,000 रुपये का। मोटर कॉम्बैट 1 ये यूज में मिल जाएगा 8,500। सही है। और टेकन 8 भी अपना ये ब्रांड न्यू 10,500। 2K24 ब्रांड न्यू 12,500। अच्छा ये स्नो रनर 12 की मिल जाएगी, 12 की वो मिल जाएगी जी, ब्रांड न्यू सही। इसमें यूज भी है हमारे पास, यूज अगर किसी को चाहिए तो यूज मिल जाएगा 9,500 रुपये का, वो वहाँ रखा हुआ सही है। यूज में 9,500 रुपये का आप ये दे रहे हो, वहाँ पर अभी डिस्काउंट हुआ तो कर दूंगा मैं। क्रिकेट 24 कितने का दे रहे हो आप? वो भी यूज में 9,500 का है। 9,500 का है सही है। और लास्ट वर्ड पार्ट 1 आपके यूज में आया हुआ, यूज में वो मिल जाएगा 10,500 का। 10,500 का। और प्लेट टेल इनोसेंस है मेरे ख्याल से जी, ये इनोसेंस है। इसमें आप यूज में लेंगे तो ये 7,500 रुपये। और ब्रांड न्यू का रेट? ब्रांड न्यू जो है ये 9,000 का। 9,000 का सही है। और वो स्नो रनर ये आपको पड़ेगी 6,000 रुपये। क्रू मोटर फीस्ट ये आपको ब्रांड न्यू मिल जाएगी अच्छे पैसों में, ये आपको पड़ेगी 8,500 रुपये। ग्रिड लेजेंड ये आपको मिल जाएगी 5,500। और डॉट 5 जी, ये डॉट 5 ये भी आपको 5,500। राइज़ ऑफ रोनिन ये कितने का मिल रहा है? ये आपको मिल जाएगा 12,500। एल्डर रिंग ये नया है, ये नया आपको मिल जाएगा 9,500 का। एल्डर रिंग का वो DLC वाला आपके वो तकरीबन 14,000-14,500 रुपये। 14,000-14,500 रुपये का। और ये अल्टीमेट एडिशन ये साइबर पंक का। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूँ, ये अल्टीमेट एडिशन अगर आप लेते हैं तो इसमें वाउचर निकलता है। सही, पहले समझ रहे थे कि शायद उसको अल्टीमेट का CD के अंदर है, बट CD के अंदर नहीं है, कोड आता है, वो आप कोड करेंगे तो आपको फैंटम लिबर्टी मिलेगा। सही, अगर आप यूज में लेंगे तो मतलब अपने नॉर्मल वाला ही साइबर पंक वाला ही होगा, लेकिन ऐसी बात है ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस PS4 से काफी डिफरेंट वो तो है। और एलन वेक रिमास्टर्ड ये मिल जाएगा 6,000 रुपये का। लाइफ ऑफ पी ये 10,000। जेडाई सर्वाइवर ये मिल जाएगा 9,850 रुपये का। एवाटार फ्रंटियर भी 8,850 रुपये। प्रिंस ऑफ पर्शिया ये 8,000 रुपये। डेड स्पेस ये पड़ जाएगा 9,000 रुपये का। हॉगवर्ड्स लेगेसी कितने का दे रहे हो? ये हॉगवर्ड्स लेगेसी आपको मिल जाएगा 8,500 का। NFS अनबाउंड ये ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये का। सही है। सीफू 6,000। क्वारी 4,000। डीमन सोल्स बल्कि हाँ डीमन सोल जो है 4,500, वो क्वारी 4,000। सही है।
अच्छा ये अभी ये लेटेस्ट आया अपना ड्रैगन बॉल स्पारिंग जीरो, ये अभी अवेलेबल है? इसका ब्रांड न्यू का रेट जो है वो 15,500 रुपये का, 15,500 जी। जब ये नया आया तो तब 17 का था, अभी थोड़े ड्रॉप हुए प्राइस तो 15,500। और साइलेंट हिल 2 कितना चल रहा है? साइलेंट हिल 2 आपको मिल जाएगा 16,000 रुपये तक, 16,000 रुपये तक का, सही। अब आइए ये PS4 की गेम्स पर, तो ड्रैगन बॉल की कैकरोड आपको मिल जाएगा 4,000 का। जंप फोर्स आपको मिल जाएगा सेम 4,000। फाइटर जी आपको मिल जाएगा 3,500 रुपये का। और सोनिक के ये पार्ट्स कितने के दे रहे हो आप? जी सोनिक आप फोर्सेस लेंगे, ये ब्रांड न्यू अवेलेबल है, ये 6,000 का यूज़ में ख़त्म हो गया। बाकी ये कलर्स है ये आपको मिल जाएगा 5,500 का, ये फ्रंटियर ब्रांड न्यू 8,500 का, ये सोनिक सुपर स्टार है ये भी ब्रांड न्यू है, ये आपको पड़ेगा 10,000 का। मीनिया ये सोनिक मीनिया ये यूज़ में, ये 4,500 का। बेंटन ये 2,500। 2,500 लेगो ये कितने के? 2,500 रुपये से लेकर आपके 3,500 रुपये तक की रेंज। इट टेक्स टू नया मिल जाएगा आपको 6,000 रुपये का। माइनक्राफ्ट ये भी नया आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये का। और ये वाला? ये वाला आपको पड़ेगा 5,000। सही, इसमें ये वाला यूज़ में लेंगे तो 6,000 का, ये वाला अगर आप यूज़ में लेते हैं 6,000 का, सही। डिज्नी इन्फिनिटी ये 2,500 रुपये। क्रैश क्रैश लेंगे ये आपको 3,500 रुपये का पड़ेगा। ये सेगा वाले जो अपने गेम्स वगैरह जी, ये पैक मैन है ये आपको 2,500 रुपये का पड़ेगा। पैक मैन है और भी कुछ गेम है ये आपको 5,500 का पड़ेगा। 5,500 इस तरफ हमारे तो गोसाई पर डायरेक्टर्स कट कितने का? ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये का। और एलन रिमास्टर्ड? एलन में ये आपको 6,000 रुपये का पड़ेगा। विचर 3 ये आप यूज़ में लेंगे तो 2,500 का है, नया 4,000 रुपये। एल्डर रिंग यूज़ में आपको मिल जाएगा 7,500 का। होगा लगे सी ब्रांड न्यू मौजूद है जी, ये ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा 10,000 का। बैटमैन मैडमैक्स ही 2,500। और स्किरो शैडो डायटोस ये आपको पड़ेगा गेम ऑफ द ईयर एडिशन वाला है, ये 8,500 रुपये का पड़ेगा, नहीं यूज़ में 8,500 रुपये। ये तो यूज़ नया मिलना ऐसा है जैसे मतलब चिराग मिल गया आपको, सही अंधेरे में जी। और आडिया टू आपको ब्रांड न्यू मिलेगा 6,000 रुपये का। यूज़ में है ये? यूज़ में भी मिल जाएगा, यूज़ में 5,000 का। और RDR1 जो है ये मिल जाएगा, ये आपको 8,500 रुपये का पड़ेगा। और ब्रांड न्यू कितने का चल रहा है ये? ब्रांड न्यू तकरीबन 10-10.5 तक, 10-10.5 हज़ार रुपये का चल रहा है। माफिया नया आपको मिल जाएगा 6,500 का। और यूज़ में भी क्या? यूज़ में अवेलेबल है, सही। अरे गोरो 2018 कितने का दे रहे हो? ब्रांड न्यू 4,000। रेगनारोक यूज़ में भी है, रेगनारोक आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा यूज़ के अंदर 9,000 रुपये। और लास्ट में पार्ट 2 ये ब्रांड न्यू है, इसका रेट थोड़ा अप हो गया, 8,000 रुपये का पड़ेगा ये। और रिमास्टर्ड यूज़ में 3,000 रुपये। सही। स्पाइडरमैन 2018 ये 4,500। माइल्स मोरालेस 6,000। यहाँ पे क्रिकेट की गेम्स पर आए तो 24 कितने का दे रहा है? ये यूज़ में आपको मिल जाएगा 9,000 रुपये का। 22 आपको मिल जाएगा 6,500 का। 19 मिल जाएगा 5,000। और एशेस क्रिकेट आपको मिल जाएगा 3,000 रुपये। और इनजस्टिस 2 ये आपको मिल जाएगा 3,000 रुपये। और 7 वाला ये लेजेंडरी एडिशन ये 4,000 का पड़ेगा, सही है। और वो सोल कैलिबर आपके ब्रांड न्यू मौजूद है, डिलक्स एडिशन 8,500 रुपये, 8,500 रुपये का। और किंग ऑफ फाइटर 15 ये स्टील बुक है 5,500। टेकन 7 कितने का दे रहे हो? टेकन 7 ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा 4,500 रुपये का, यूज में मिल जाएगा 3,500 रुपये का। बैटमैन पर आए अरकम नाइट 2,500 रुपये का। रिटर्न ऑफ अरकम ये 4,000। और गोसुईमन नॉर्मल वाला ये 5,500। सही है। ये कार रेसिंग पर आए नीड फॉर स्पीड मोटर फीस नया आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये का। क्रू मोटर फीस जी 8,500। और नीड फॉर स्पीड ड्राइवर ये 2,500। मड रनर ये 5,500। प्रोजेक्ट कार्स 2 ये 2,000 रुपये। सही है। ग्रिड लेजेंड्स 4,500। NFS पे बैक ये 3,000। हीट 4,000। ग्रैंड टूरिज्मो 7 ये 7,500। 2K22 कितने का दे रहे हो? ये 5,000। 23 6,500। 24 9,000। 2019 ये 3,000। 2018 2,500। सही। वॉच डॉग 2 ये 2,000। अवेंजर्स 3,500। वॉच डॉग लीजेंस ये 3,000। साइबरपंक 2077 ये 4,500। GTA 5 ब्रांड न्यू 5,000। यूज़ में मौजूद है? यूज़ में ही मिल जाएगा, यूज़ में 4,000 रुपये का। सही है। स्लीपिंग डॉग्स 3,500 रुपये। सही। और अच्छा वो आपके पास स्पाइडर मैन का गेम ऑफ द ईयर जी वो ब्रांड न्यू मिल जाएगा जो आपको पड़ेगा तकरीबन 8,500। 8,500 रुपये का स्पाइडरमैन का गेम ऑफ द ईयर एडिशन। और उस पर अपना रीजन ऑल है और जब भी आप लो तो उसकी एक्सपायरी डेट आप देख लेना। सही है। रेजिडेंट एविल 4 ब्रांड न्यू मौजूद है आपके पास, ये भी आपको मिल जाएगा, ये नया मिल जाएगा आपको 9,000 रुपये का। और रेजिडेंट एविल 2 रीमेक ये 3,500 रुपये। बायोहैज़र्ड 3,000। विलेज जो है वो 5,500। 3 मिल जाएगा 3,500। और Evil Within 1 ये 2,000 रुपये। Detroit Become Human कितने का चल रहा है? 3,500। Demon Slayer ऊपर ये 6,000। और Uncharted Nathan Drake Collection 2,500 रुपये। Uncharted 4 2,000। और Days Gone 3,500। Lost Legacy कितने का Uncharted? 3,000। Jedi Fallen Order 3,500 रुपये। सही। Outlast का ये Trinity आपके मौजूद है, ये आपको मिल जाएगा आपको 4,000 का। Assassin's Creed Valhalla 4,000। Mirage
मिराज जो है 8000। सही हो गया। अच्छा ये आपके पास स्टीयरिंग व्हील आया G29, ये कितने का प्रोवाइड कर रहे हो? जैद भाई ये यूज में विदाउट बॉक्स ये पड़ेगा फाइनल 48000 का। फाइनल 48000 का आप दे दोगे विदाउट गियर शिफ्टर? सही है। वैसे गियर शिफ्टर ऐड करते हैं तकरीबन 16000 रुपए का गियर शिफ्टर है। सही है। तकरीबन आपको 64 तक का बैठ जाएगा। सही। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई गेम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भरपूर है जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है वैरायटी आपके मौजूद है। ऐसा हो भी सकता है कहीं आपको कहीं और से आपको गेम मिल रहा हो, 500 हमारे पास महंगा मिल रहा हो, क्योंकि मैं गेम लवर हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा गेम का कलेक्शन इसलिए रखता हूँ, चाहे मुझे क्योंकि यूज़ में गेम मिल रहा होता है तो मुझे महंगा ही मिल रहा होता है, तो मैं कलेक्शन करके रखता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर कोई किसी भी गेम की किसी को चाहत हो तो मेरे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो। और जैसे आपने देखा होगा इनकी हर वीडियो में गेम्स का सेक्शन ही सबसे ज़्यादा लंबा होता है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा गेम ही कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होकर आता है कि हमारे पास गेम्स की ह्यूज वैरायटी है, और जो हम गेम बेचते हैं तो हम एक पंक्चुअल अमाउंट जो है उनको टाइम बता देते हैं कि एक महीना डेढ़ महीने में आप आके हमसे 1000-1500 रुपये डिडक्ट करके हम वापस उनसे रीबाई करें। सही। अच्छा पेमेंट मेथड क्या है आपका? जैद भाई पेमेंट सारे अवेलेबल हैं, आप इजी पैसा करना चाहें जैश कैश पेमेंट, आप कार्ड के थ्रू करना चाहें तो राइडर मशीन आपके घर पे लेकर आ जाएगा, वहाँ कार्ड चार्ज कर लें। सही। पेमेंट्स अवेलेबल हैं सिवाय चेक के पे ऑर्डर तक ले लेते हैं। सही। और चले यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह प्राइस वगैरह हो गई, स्टॉक भी आपने देख लिया माशाल्लाह अच्छा खासा अवेलेबल है, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप टाइम टू मिलती रहे। किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो, गेम कंसोल या कंट्रोलर्स वगैरह की, गेम्स अपना ख़रीदने हो, रेंट पर लेने हो या एक्सचेंज कराने हो, कंसोल्स वगैरह भी सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जवाद भाई की शॉप पर। जवाद भाई की शॉप का नंबर, एड्रेस वगैरह, इनके अपना फेसबुक पेज वगैरह, सभी चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के साथ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।